फूलों की भी खूब बिक्री होती रही दिवाली पर। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के साथ ही दीपावली में माँ काली और विभिन्न देवी देवताओं का आह्वान होता है, उनकी पूजा और आराधना होती है, और ऐसे में फूलों की बिक्री खूब होती रही दीपावली के दिन। स्थानीय स्तर पर भी फूलों की उपलब्धता ने कीमतों को थोड़ा कम रखा। पहले कोलकाता से आए फूलों का ही रहता था सहारा, लेकिन विक्रेताओं ने इस बार स्थानीय फूलों की भी उपलब्धता कराई। खास तौर से गेंदे के फूल की स्थानीय स्तर पर हो रही खेती ने कीमतों को कम किया। किसानों को भी इसका बेहद फायदा मिला। बिट्टू जी आई हो फूलों का बाजार सभी मिथिलावासियों को श्री राम फलाव एजेंसी की तरफ से दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी माँ लक्ष्मी जी गणेश जी के पूरा भक्तों के पूरा सेवा में उपलब्ध हैं। हम लोग यहाँ पर हर साल की भांति हर साल जो रेट रहता था उस साल की भांति इस साल भी वही रेट है। मैं कुछ हल्का सा अपने यहाँ मौसम के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन 50% कलकत्ता से और 50% अपने यहाँ का लोकल और वोकल पर हमको ध्यान दिए हैं और यहाँ किसानों को सपोर्ट किए हैं और आगे बढ़ाए हैं और व्यवस्था हम करवाए हैं। लोकल स्तर पर कौन से फूल आ पा रहे हैं? लोकल स्तर पर हम यहाँ पर गेंदा का फूल सबसे ज़्यादा हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ खेती हो रहा है और यहाँ सब किसान को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पंडाल से कमल का फूल, लक्ष्मी गणेश जी का माला, रजनीगंधा, गुलाब और जो भी फूल होता है ऑलरेडी हम पंडाल से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। भक्तों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, हम व्यवस्था कर रहे हैं।